So friends, once again I welcome you all in my next lecture on solution and colligative properties. Okay, so आज का अपना टॉपिक है that is Rawls law. अब देखिए Rawls law, अब सबसे पहले Rawls law किस लिए डिफाइन करते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले लिख लेते थोड़ा सा इनके बारे में लिख लेते हैं Rawls law के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे हम लोग. रॉल्स लॉ है कि इन्होंने एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट के बारे में लिख ले, ही वॉज फ्रेंच केमिस्ट. रॉल्स की बात कर रहा हूँ, फ्रेंच केमिस्ट. दिस इज नेम वॉज फ्रैंकोल्स मैरी रॉल्स रॉल इन 1886 ऑब्जर्व. लॉ बताऊंगा मैं, प्लीज डोंट वरी. ऑब्जर्व दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर a solution of non-volatile solute. तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने ऑब्जर्वेशन करके फाइनली बोला पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यू कैन से जो भी है, जो भी सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ. अब ये सॉल्यूशन कैसा लिया है मैंने, देखिए पहले सॉल्यूशन के बारे में बोलता मैं. यहाँ पे जो सॉल्यूशन मैंने लिया है, दिस इज We have volatile, ये चीज ध्यान रखना है, ये volatile liquid है, volatile solvent है और इसमें हम लोगों ने लिया है, इसमें जो हम लोग ने लिया है दिस इज नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट. यहाँ पे लिया है दिस इज नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट. तो ये सिस्टम के लिए रॉल्स ने, वोलाटाइल का मतलब होता है जो जल्दी वेपोराइज हो जाए, दैट इज कॉल्ड वोलाटाइल, और नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है जो जल्दी वेपोराइज ना हो, दैट इज कॉल्ड नॉन वोलाटाइल. तो क्या होगा, इन सच सॉल्यूशन ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गेट वेपोराइज एंड वेपर प्रेशर इज ओनली फ्रॉम द सॉल्वेंट. तो ऐसे मॉलिक्यूल में क्या होगा, ओनली सॉल्वेंट विल वेपराइज, ओनली सॉल्वेंट विल वेपराइज एंड वेपर प्रेशर is only from the solvent alone and vapor pressure is only from the solvent alone. तो ये चीज ध्यान रखना कि सॉल्यूट के कारण कोई भी वेपर प्रेशर नहीं आएगा. और एक और इंपॉर्टेंट यहां पे है, फिर रॉल्स लॉ पे आएंगे हम लोग. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is found to be lower than the vapor pressure of pure solvent. ये चीज ध्यान रखेंगे, vapor pressure of solution is found to be, तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखेंगे, the vapor pressure of solution, vapor pressure of solution is found to be lower than vapor pressure of pure solvent. मतलब अगर सॉल्यूट नहीं है उस समय जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू व्हेन वी हैव सॉल्यूट.
और ऐसा क्यों होता है, इसका अगर मुझे रीजन बोलना हो कि ऐसा व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, अगर मुझे इसके बारे में रीजन देना हो कि ऐसा क्यों होता है, तो क्या होता है, आप अगर रीजन देख सकते हो कि फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस्ड, मतलब क्या है कि जैसे ही सॉल्यूट आपने ऐड किया तो सॉल्यूट डालते ही कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का सरफेस होगा कवर्ड हो जाएगा, और जब कवर्ड हो जाएगा तो उसको स्केप करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और डिफिकल्ट होगा तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विच विल वेपोराइज विल रिड्यूस, और इस कारण से वेपर प्रेशर। तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी सॉल्वेंट में अगर आप सॉल्यूट ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम जाता है। ये चीज को अपने को ध्यान में रखना है। इसका रीजन अगर मैं बोलूं क्यों हो रहा है ऐसा, तो because fraction of the surface covered by the solvent molecule get reduced, ये जो मैंने आपको बताया reduced by the number of solvent molecule, and hence number of solvent molecule which is converting into vapor will reduce। ओके और इसलिए तो व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन इज कि वेपर प्रेशर अगर आप किसी सॉल्वेंट में सॉलिड ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज जैसे ही आप सॉलिड डालें जो कि नॉन वोलाटाइल है, कुछ सॉल्वेंट का कुछ पार्ट सॉल्यूट उसको क्या करेगा, कवर कर देगा, मतलब सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे विल बी कवर्ड बाय सॉल्यूट मॉलिक्यूल, और वैसे मॉलिक्यूल फिर वेपर नहीं बना पाएंगे। अगर वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर विल बी लो। और ये किसके लिए ध्यान रखिएगा, वी आर टॉकिंग फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट रहेगा तभी ये कर सकते हैं हम लोग, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो फिर से रॉल्स लॉ पे आएंगे और देखेंगे कि रॉल्स लॉ ने क्या बोला था, और विल डिराइव वन फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन, बिकॉज जितना होगा, यही रॉल्स लॉ बोला ना कि जितना होगा सॉल्वेंट उतना ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा। तो यहां पे अगर आप देखिएगा, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू, दिस इज पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इनटू एक्स ऑफ सॉल्वेंट, एंड दिस इज द इक्वेशन which is to remember कि partial vapor pressure of solution equals to vapor pressure of pure solvent at given temperature into mole fraction of solvent। okay, so ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये क्या है, P not solvent क्या है, ये लिख देता हूँ मैं, this is vapor pressure of pure solvent at given temperature, this is vapor pressure of pure solvent at given temperature। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। तो what is the conclusion, for any solution
solution, the partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction. So this is the final conclusion, जो कि अपने को ध्यान में रखना है. मैं लिख देता हूं, for any solution, किसी भी solution के लिए बोल रहे हम लोग, for any solution, the partial वेपर प्रेशर, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर का मतलब वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वेपर प्रेशर में. अगर दो तीन वोलाटाइल कंपोनेंट है तो एक पार्टिकुलर गैस कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट. वोलाटाइल कंपोनेंट अगेन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग सिर्फ वोलाटाइल जो कि वेपर में कन्वर्ट हो सकता है उसके बारे में बोल रहे हैं. वोलाटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स. तो ये सब स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. तो इसको कंक्लूजन के लिए हम लोग क्या ध्यान में रख सकते हैं कि फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल, मतलब हम लोग कैसा देख रहे हैं, वोलाटाइल लिक्विड देख रहे हैं, मतलब दोनों जो है ए एंड बी कंपोनेंट है. अब हम लोग ने सॉल्यूशन कैसा देखा है, देखिए एक बार मैं आपको बताता हूं सॉल्यूशन कैसा है. यहां पे दो लिक्विड लिया मैंने, एक देखिए ग्रीन कलर वाला लिक्विड है और इसको कंपोनेंट ए बोल रहा हूं मैं, और दूसरा जो सॉल्यूशन मैंने बनाया है यहाँ से कौन सा कलर लूँ मैं, ब्लैक ले लेता, दूसरा क्या है ब्लैक वाला है, ये सॉल्यूशन बनाया और ये क्या है इसका ए कंपोनेंट बी ले लीजिए, एंड दीज टू आर वोलाटाइल, ये दोनों के दोनों क्या है वोलाटाइल है, ये दोनों के दोनों क्या है वोलाटाइल है. तो अब व्हाट इज द कंक्लूजन, हम लोग क्या करेंगे अब ऐसे, इससे ऊपर जो हम लोगों ने देखा था दैट वाज सॉल्यूट क्या था नॉन वोलाटाइल था, देखिए सॉल्यूट क्या था नॉन वोलाटाइल है. अब जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज बोथ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलाटाइल, ऐसे केस में हम लोग कैसे लिखेंगे. तो सबसे पहले अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिखना हो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा दिस इज, और यू कैन से पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, अगर मैं रॉल्स लॉ फॉलो करूं तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. ओके, उसी तरह से पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये ऊपर जो हम लोगों ने देखा. तो अब बिकॉज प्रोपोर्शनल है तो एक कांस्टेंट से मैं इसको रिप्लेस करूंगा, दिस इज इक्वल्स टू पी ए नॉट इन टू एक्स ए, ये क्या हो जाएगा पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट इन टू एक्स ए. अब ये इक्वेशन बन गया, मतलब अब यहाँ पे आपको हर स्टेटमेंट बता दूं पी ए क्या है, अगर आप देखिएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी ए, this is partial vapor pressure of A, this is what partial vapor pressure of A, P A not क्या है, okay vapor pressure of pure सॉल्वेंट ए. ओके, सो उसी तरह से पी बी क्या हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी,
और पी ए नॉट क्या, पी बी नॉट क्या हो जाएगा, दिस इज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये आ गया इक्वेशन। ओके, तो मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है दैट इज पी ए, और ये क्या हो गया, दिस इज। अब हम लोग एक, बिकॉज हम लोग टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर निकालने जा रहे हैं, विल फाइंड द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक लॉ यूज करेंगे, दैट इज वी कैन से डाल्टन्स लॉ। तो फ्रॉम, आपको बताऊंगा मैं डाल्टन्स लॉ क्या होता है, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये क्या है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है, देखिए टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेस इन द कंटेनर will be the sum of the partial pressures of the solvent और solvent और component और component और कैन से component बोले ज्यादा बेटर है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए ये क्या है, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। डाल्टन्स लॉ ये बोलता है कि अगर किसी कंटेनर में, जैसे मान लीजिए आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मान लीजिए एक कंटेनर है जिसमें कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है, तो ए का पार्शियल प्रेशर पी ए मान लीजिए और बी का पार्शियल प्रेशर पी बी मान लीजिए। तो डाल्टन्स लॉ बोलता है कि जो टोटल प्रेशर इस कंटेनर का होगा, दिस इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, दिस इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ। कि अगर कोई अपने पास सिस्टम है, सिस्टम में दो कंपोनेंट है, तो पार्शियल प्रेशर एक कंपोनेंट का प्लस पार्शियल प्रेशर दूसरे कंपोनेंट का, या कितने भी रहने दें, क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर। तो अपना ऊपर वाला इक्वेशन याद कीजिए, जो ऊपर वाला सॉल्यूशन था हम लोग क्या देख रहे थे, फिर से आपको बताता हूं मैं, एक अपने पास ये था, फिर हम लोग ने दो सॉल्वेंट लिया था, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी लिया था, ए प्लस बी कंपोनेंट लिया था, ये देखिए इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाला इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, ये पी बी जो हम लोग ने लिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर टोटल प्रेशर अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिखेंगे, पी टी विल बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, यहाँ पे हम लोग ने डाल्टन्स लॉ यूज किया है। सो प्लीज ध्यान रखिएगा, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद डाल्टन्स लॉ। अब मान लीजिए कि दिस इज ए इक्वेशन जो मैंने बनाया यहाँ पे, इसको वन मान लीजिए और इसको टू मान लीजिए, तो यू कैन से फ्रॉम वन एंड टू, तो पी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी टी विल बी इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। और यहां पे क्या चीज ध्यान में रखना आपको, कि बोथ ए एंड बी कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज, सॉरी नॉट इज, आर वोलाटाइल। तो उस केस में हम लोग ऐसा लिखेंगे। तो अगर आपको पता होगा, अगर दो कंपोनेंट है तो एक्स ए प्लस एक्स बी, ये क्या हो, वन होता है, बिकॉज किसी भी सिस्टम में मोल फ्रैक्शन का समेशन क्या होता है, वन होता है। तो मैं अगर मुझे एक्स ए की वैल्यू लिखनी है, तो एक्स ए इक्वल्स टू क्या होगा, वन माइनस एक्स बी, ए अपने मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। तो प्लीज ऊपर इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो पी टी विल बी इक्वल्स टू पी ए नॉट वन माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी।
ओके, इसको और थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज पी ए नॉट प्लस एक्स बी कॉमन ले लीजिए, तो एक्स बी अगर कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। ओके, सो ये हम लोग ने फाइनल इक्वेशन लिख लिया जिसको अपने को, तो आपको याद नहीं रखना है, आपको याद कौन सा इक्वेशन रखना है, ये वाला, और बाकी चीजें आप कन्वर्ट कर लोगे x से प्लस एक्स बी से, तो वाला इक्वेशन याद रखना है। बाकी यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखिए, ये जो है दिस इज ओनली अप्लीकेबल फॉर, ये चीज ध्यान में रखना है, ओनली अप्लीकेबल फॉर होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम मतलब ये किसके लिए अप्लीकेबल है, फॉर होमोजीनियस सिस्टम। अब हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ओके, ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि क्या होगा फाइनली। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए वी टेक ए स्केल, और स्केल देखिए किस तरह से लेते हैं हम लोग थोड़ा, यस, तो आप मान लीजिए कि ये लाइन ड्रॉ किया मैंने, फिर उसी तरह से एक इधर लाइन, ये थोड़ा अलग टाइप का ग्राफ है, एक ही पे हम लोग दोनों चीज दिखाएंगे, फिर इस ग्राफ को आप मोड़ लीजिए, मान लीजिए इस तरह से है, ओके, ये आ गया, ये ग्राफ आ गया, ओके। तो अब ग्राफ पे हम लोग पॉइंट प्लॉट करेंगे, देखेंगे ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, क्या करते हैं हम लोग। तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए ये कलर लूंगा मैं, ठीक है। तो अब देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो मैं मान रहा हूँ यहाँ पे मोल, इस पॉइंट पे एक्स ए का जो मोल है डेट इज वन, और यहाँ पे एक्स ए का जो मोल हो जाएगा दिस इज जीरो, ओके। यहाँ पे जो एक्स बी का मोल लिया है मैंने जीरो, और यहाँ पे एक्स बी का मोल लिया है वन, ओके। तो अब ये ग्राफ देखेंगे हम लोग, तो मैं ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करूंगा, देखिए ग्राफ जो प्लॉट करना है डेट इज पी ए, डेट इज पी टी, पी टी वर्सेस पी टी का ग्राफ प्लॉट करना है अपने को, एक्स ए एंड एक्स बी के रेस्पेक्ट में प्लॉट करना है, तो पी टी वर्सेज एक्स बी ग्राफ प्लॉट करूंगा मैं, सो पी टी वर्सेज एक्स बी ग्राफ प्लॉट करूंगा मैं। तो अब आप ध्यान से देखिए, एक्स बी यहाँ पे जीरो है इस पॉइंट पे, मैं कौन सा इक्वेशन बोल रहा हूँ, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ओके, इस इक्वेशन का अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है तो स्लोप मान लीजिए पार्शियल पी बी ज्यादा है पी नॉट से, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ओके। एक इंटरसेप्ट मिलेगा जब ये इसको एक्स एक्सिस पे लिया, तो ये जीरो होगा, तो एक इंटरसेप्ट मिलेगा पी नॉट, मतलब इस पॉइंट का नाम आप क्या ले लीजिए, पी ए नॉट, ओके। अब देखिए जब एक्स बी जीरो हो जाएगा, एक्स बी को अगर जीरो किया आपने, तो एक्स बी वन, सॉरी एक्स बी वन करोगे, तो जब एक्स बी वन करोगे तो ये पी टी वैल्यू क्या हो जाएगा, पी बी नॉट, और अपने को पता है कि ये हायर पॉइंट पे लिया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पी बी नॉट। इस इक्वेशन को ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा इस इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं, और ये ग्राफ का नेचर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन होगा तो आप सिंपली इसको ज्वाइन कर दीजिए, सो दिस इज द ग्राफ वर्सेस पी टी और पी ए प्लस पी बी का ग्राफ है, ओके, पी ए वर्सेस पी बी का ग्राफ है। अगर अपने को इंडिविजुअल ग्राफ प्लॉट करना होता, सो आपको एक चीज और दिखाता मैं, इसी ग्राफ में कंफ्यूजन होता है कभी कभी, इसी ग्राफ में अगर इंडिविजुअल ग्राफ प्लॉट करना होता है, तो ये अगर ग्राफ इस तरह से देखिएगा, ये ग्राफ किसके बीच में होगा, यहाँ पे एक्स भी जीरो है तो पी ए भी जीरो है, और ये ग्राफ अगर देखिएगा, तो ये जो ग्राफ जा रहा है ये हो जाएगा आपका पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, और ये ग्राफ अगर आप देखिएगा क्या हो जाएगा, दिस इज पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स बी, मतलब एक्स ए अगर वन है, तो देखिए एक्स ए अगर वन है तो पी ए की वैल्यू क्या है, पी ए नॉट, उसी तरह से एक्स बी जब वन है तो पी बी की वैल्यू क्या है, पी नॉट। तो ये ग्राफ अपने को ध्यान में रखना है, इस ग्राफ में सिर्फ एक ही अजम्पशन लिया है जो कि आप
लिख लीजिए यहाँ पे, जो चीज हम लोग ने अस्यूम किया है उसको लिख लीजिए। हम लोग ने क्या माना है, कंपोनेंट ए इज लेस वोलाटाइल बिकॉज कंपोनेंट ए इज लेस वोलाटाइल देन कंपोनेंट बी। और यही रीजन है कि वोलाटाइल होने का क्या मतलब है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बी मोर देन, जो यहां पे मैंने अजम्पशन लिया। अगर ये नहीं होता तो आप इस तरह से करते, देखिए इस तरह से करने का मतलब है कि इसको शिफ्ट करके आपको बताता है कि इस तरह से, फिर मैं मिटा दूंगा, आप इस तरह से करते। अगर ये नहीं होना रहता ना तो आप इस तरह से कहीं ग्राफ प्लॉट करते दूसरे वाले केस में, बट ये नहीं है इसलिए हम लोग कंसीडर किया है, क्योंकि ये स्लोप पीबी पीए ये वैल्यू पॉजिटिव है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गया तो ग्राफ का नेचर क्या होगा, नेगेटिव स्लोप का होगा। तो ये ग्राफ कब आएगा, ये ग्राफ कब आएगा, व्हेन पीए नॉट ग्रेटर देन पीबी नॉट आएगा। तो ये चीज अपने को याद रखना है कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं और एक ही ग्राफ पे दोनों चीज कैसे प्लॉट किया है। तो एक और चीज यहाँ पे देखिए कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ए बी चीज याद रखना है अपने को। और इस वाले केस में हम लोग क्या बोल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए। अब इसको आप कैसे याद रखिएगा, इसका ट्रिक बताता मैं आपको कैसे याद रखना है। वेपर प्रेशर ज़्यादा है इसका मतलब तुरंत वेपर बन गया होगा, अगर तुरंत वेपर बन गया होगा इसका क्या मीनिंग है, कम टेम्परेचर में ही वो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अगर वेपर प्रेशर कम है मतलब अपने को बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ रहा है, और अगर बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हो। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको बाद में जाके समझ में आएगा, सिर्फ अभी लिख लीजिए, सॉल्यूशन अवेइंग जो भी है जो फॉलो कर रहा है, अवेइंग रॉल्स लॉ आर कॉल्ड आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये चीज आपका, तो आज हम लोग ने क्या पढ़ा, आज का लेक्चर का इतना ही क्या पढ़ा, सिर्फ आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता। सबसे पहले हम लोग ने देखा था कि रॉल्स लॉ क्या होता है, रॉल्स ने क्या किया था, स्टडी किया था पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ओवर ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और फिर उन्होंने एक इक्वेशन डेवलप किया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये कब अप्लीकेबल है, व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, ये कब है, जब सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है। ओके, फिर उन्होंने इसी चीज को यूज करते हुए एक ऐसे सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट किया जब दोनों सॉल्वेंट ए एंड बी वोलाटाइल हो। तो ए एंड बी जब वोलाटाइल होगा तो ए का पार्शियल प्रेशर उसके प्रोपोर्शनल होगा, उसी तरह से आएगा। तो हम लोग पी ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, उसी तरह से पी बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, पी बी नॉट इंटू एक्स ए। डॉल्टन्स लॉ ये बोलता है कि पूरे प्रेशर ऑफ द कंटेनर इज द समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। तो डॉल्टन्स लॉ यूज करते हुए हम लोग ने पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी लिख लिया, फिर उसको थोड़ा सा दिमाग लगाया और फाइनली ये इक्वेशन बन गया। आपको याद कौन सा इक्वेशन रखना है, ये इक्वेशन याद रखना है, ये इक्वेशन याद नहीं रखना, ये तुरंत अपने आप कन्वर्ट कर लोगे।
फिर इसके लिए ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ हम लोग इसके लिए किया पीटी वर्सेस पीए पीबी, ये दो ग्राफ है, एक ब्लैक लाइन से दिख रहा है आपको और एक ब्लू लाइन से दिख रहा है और रेड लाइन से, तो रेड वाला है प्योर सॉल्वेंट के लिए जब एक ही कंपोनेंट है, ब्लू वाला लाइन जो आपको दिख रहा है डेट इज टोटल प्रेशर व्हेन पीबी इज ग्रेटर देन पीए नॉट, जो ब्लैक डॉटेड लाइन है वो किसके लिए है, जब पीए नॉट इक्वल ग्रेटर देन पीबी नॉट। इस तरह से हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया और ये फाइनली ऑब्जर्वेशन करके लिख लिया, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।